ओके बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पार्ट पढ़ा था, लास्ट पेज था ये। अब देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है हमेशा। फिर हमने उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाला था। फिर वो थ्री डायमेंशन में कैसे होता है, तो किसी ने तो डाउट पूछा था कि ये 3/2 कैसे आया, यहाँ पे 3/2 कैसे आया, ये किसी को डाउट था। ओके, तो मैं ये पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है। देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आज 1/4πε0q/r2। और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर कैप। नाउ यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/4πε0q। और ऊपर क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाई आस्कर, इसका वैल्यू क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0q r/r³। सो ये जो आर क्यू फैक्टर है वो यहां पे भी आएगा। तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, इसको मैं जगह बनाता हूं। सो ई एक्स को हम कैसे लिखेंगे, ये जो डायग्राम बना था यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x² + y² + z² + z² का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब क्या, 2^1/2। ओके, सो ई एक्स का वैल्यू क्या होगा, ई एक्स का वैल्यू होगा क्यू तो पहले से था, डिवाइड बाई 4π ε0। ओके, सो यहां पे क्या था, नीचे क्या रहेगा, r का क्यूब रहेगा। r का क्यूब मतलब r क्या, ये हमारा r है, तो ये 2^1/2 है और इसका क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब क्यों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² + z² 2^1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3/2। अच्छा, ऊपर क्या रहेगा, r वेक्टर, तो ई एक्स मतलब इसका वेक्टर क्या रहेगा, x वेक्टर रहेगा। तो जैसे ये ई एक्स हो गया, ऐसे ई वाई और ई जेड। तो हम ई को क्या लिख सकते हैं, ई कैन रिटन एज ई एक्स का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप, आई कैप मतलब एक्स की तरफ, ई वाई जे कैप मतलब वाई की तरफ, ई जेड के कैप। ओके, सो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा सबका। तो आगे चलते नाउ, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का देखो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, अन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व, इट कैन बी स्ट्रेट और इट कैन बी कर्व इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सच दैट द टेंजेंट टू इट्स टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस बताएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रहेंगे। सो इट कैन बी स्ट्रेट लाइन और इट कैन बी कर्व्ड लाइन, एंड रिमेंबर दैट इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इट विल एंड इन नेगेटिव। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में खत्म होगा। सो कर्व्ड पाथ में, लाइक यू कैन सी पी क्यू आर, पी क्यू आर जो कर्व्ड पाथ है, इसमें टेंजेंट है, टेंजेंट को लिखा हुआ है EP, EQ और ER। तो EP, EQ, ER क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो हियर इज ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर है। नाउ वी गो टू प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा अभी ये देखो दो डायग्राम है, हियर इज ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो
द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइक दैट. ये देखो ये क्या है, दोनों दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रहेगा. और इफ दिस इज ए लाइन ऑफ चार्ज, लाइक दिस इज ए लाइन ऑफ चार्ज, तो लाइन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ऐसा रहेगा. इस लाइन में यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, ठीक है. सो एक्चुअली जब वीडियो तुम देख रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि ये पॉइंटर दिखने रहा है, तो पॉइंटर दिखने रहा है इसलिए मैंने यहां पे देखो टिक टिक किया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पेज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स बट डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप. अच्छा इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है और इसका क्लोज लूप नहीं होगा, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए. कंटिन्यूअस कर्व उसका क्लोज लूप नहीं होगा. क्लोज लूप कहाँ होता है, क्लोज लूप मैग्नेटिज्म में होता है. कैसे, अगर मैं मैग्नेटिज्म के बारे में बात करूं तो देखो मैग्नेटिज्म कैसे होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ में से फील्ड निकलता था और फिर साउथ में अंदर से होके भी चलता था. ये देखो क्लोज्ड है, क्लोज्ड लूप. बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कैसा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में आ रहा है और इधर से ही पॉजिटिव से लेके नेगेटिव आ रहा है, बट क्लोज्ड नहीं है, ऐसा क्लोज्ड नहीं है. नाउ इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन नेगेटिव चार्ज, दैट पार्ट वी हैव कवर्ड और हमने वो देखा भी है. टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे कर्व्ड पाथ में अलग अलग पॉइंट में अलग अलग डायरेक्शन होगा. दीज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर. सो ये तो हमने देखा ही होगा, कैसे, जैसे ये लाइन चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे होगा. देखो ये सर्फेस है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स. अब डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसुलेटर है और पढ़ेंगे हम कैपेसिटर्स में, तो डाइलेक्ट्रिक के थ्रू भी पास हो सकता है. दीज लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली. लॉन्गिट्यूडनली मतलब क्या है कि देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, फील्ड लाइन्स कैसे आता है, ऐसे आता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब ये पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में जा रहा है, तो और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. नाउ दे एग्जर्ट ए लैटरल प्रेशर. लैटरल प्रेशर मतलब इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव में लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, एक और फील्ड लाइन यहां जाएगा, इस फील्ड लाइन में पॉजिटिव चार्ज है, इस फील्ड लाइन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस तरफ पुश करेगा, ये उसको इस तरफ पुश करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल प्रेशर. नाउ वी गो टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पार्ट हमने केमिस्ट्री में भी किया था 11th में, बट फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं. नाउ डेफिनेशन तुमको पता है, व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड, लाइक आई विल राइट प्लस क्यू एंड हियर इज माइनस क्यू. टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, लेट मी से इट इज 2a. नाउ दे कंस्टिट्यूट ए इलेक्ट्रिक डाइपोल. अच्छा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब और ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब ये q1 तो ये q2 नहीं होना चाहिए, ये q तो ये भी q होना चाहिए, ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए, उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो डेफिनेशन क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस. यहां लिखता हूं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of a pair of equal equal and opposite point charges
सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। किसी किसका दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहां पर डिस्टेंस को 2a क्यों लिया, हर जगह में हम d लेते हैं a लेते हैं तो यहाँ पे 2a क्यों लिया। एक्चुअली 2a इसलिए लिया, आगे को हम अभी जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें इसको डिस्टेंस को हाफ करना पड़ेगा तो 2a का हाफ a हो जाएगा, इसीलिए और कोई रीजन नहीं उसका। नाउ इसको बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक प्रॉपर्टी है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट चार्ज कितना होगा। सो नाउ नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज, तो कितना हो जाएगा, एक जगह में प्लस क्यू है और एक जगह में क्या है माइनस क्यू है, तो कितना होगा नेट चार्ज जीरो है। वर्ष वन मार्क क्वेश्चन आता है। नाउ डाइपोल मोमेंट, सो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, सो डाइपोल मोमेंट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं ओ एच और एच, तुमको पता है कि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है क्योंकि ओ एच बॉन्ड जो होता है पोलर होता है। नाउ सी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ये एक डाइपोल है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव ये एक डाइपोल है। अच्छा तुम्हें पता है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर क्या है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर। अच्छा अगर इफ आई एम आस्क्ड अ क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच आई कैन एक्सप्रेस, व्हाट इज द क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आई कैन एक्सप्रेस द पोलरिटी, मतलब पोलरिटी इसका कितना है, ज्यादा है या कम है, सो देन आई नीड टू एक्सप्रेस द डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। अच्छा देखो अगर मैं बोलता हूं कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 2a, सो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है। डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं p, ऊपर आरो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो p इज डिफाइंड एज आइदर ऑफ द चार्ज, आइदर ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। It measures the strength of the electric dipole. It measures the strength of the electric dipole. So, और ये क्या है? It is a vector quantity. And it is equal to the product of, it is the product of either of the charge and the distance between them. बिना क्रॉस का भी तुम लिख सकते हो ऐसे q इंटू टू ए, ठीक है। तो ये क्रॉस का साइन हटा दो, सो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट क्या हो जाएगा, ये मीटर और ये कूलम, सो
सो कूलम मीटर, नाउ विल गो टू फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल. Field intensity due to a dipole. ये बहुत important derivation है exam point of view, school exam point of view. मैं इधर important लिख रहा हूँ, school exam में जरूर आएगा. Now अगर हम एक electric dipole के बारे में बात करते हैं, इधर plus q है और यहाँ पे क्या है minus q. Again distance कितना है 2a. Now, हमने इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो देख लिया था, सी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज, बट ये कैसा है दो पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस है. Now, इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कितना होगा वो हम इसमें देखने वाले. Now, हम इसमें तीन केसेस देखेंगे. फर्स्ट केस एट एक्सियल पॉइंट, सेकेंड केस एट इक्वेटोरियल पॉइंट, थर्ड केस एट एनी अदर पॉइंट. नाउ व्हाट इज एक्सियल पॉइंट? एक्सियल पॉइंट मतलब इसके एक्सिस में, देखो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इसका एक्सिस क्या हो जाएगा? दिस लाइन इज द एक्सिस. इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट मीन्स व्हाट? ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट. अच्छा, एट एनी अदर पॉइंट मतलब क्या है? मान लो पॉइंट यहां पे, इफ द पॉइंट इज पी इज हियर, इफ द पॉइंट पी इज हियर इट इज नोन एज एक्सिस, इफ द पॉइंट पी इज हियर इट इज नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट. And if the point P is here, it is known as at any other point. So in तीनों का derivation हम निकालो. First case क्या है? At axial point. Remember one thing. For this point, if I say axial point, so here I'll find the field due to this and field due to this. दोनों की वजह से, इस क्यू के वजह से और इस क्यू के वजह से फील्ड निकालूंगा. नाउ नेट फील्ड निकालूंगा, दैट इज द फील्ड, टोटल फील्ड. हियर आई विल फाइंड द फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू एंड आई विल फाइंड द नेट फील्ड. तो ये हमारा तरीका रहेगा, ठीक है. सो लेट्स गो टू द सेकेंड पेज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट. सो मैं यहां लिखता हूं at axial points due to a electric dipole. वो नहीं लिखा. So diagram draw करना बहुत जरूरी है. मैंने यहां पे लिया माइनस क्यू, यहां पे क्या लिया प्लस क्यू, उल्टा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ये क्या है 2a डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है 2a डिस्टेंस. एंड सपोज आई वांट टू मेजर द फील्ड एट पॉइंट पी, एंड पॉइंट पी इसका जो सेंटर पॉइंट है ओ, पॉइंट पी इस ओ से लेट मी से आर डिस्टेंस पे, ओके. Now, here at point P, because of this charge, because of the plus Q charge, there will be an attractive force
suppose I'll write this one is E1 and this one is E2. Okay, so I'll write what is E1. E1, it is the electric field. Electric field at P, at P due to minus Q. Minus Q charge will attract this point positive charge kept over here. Point P mein jo positive charge rakha hua hai, usko minus Q, this is the minus Q, to minus Q kya karega? Attract karega. Now E1. What is E2? E2 is the electric field at point P due to plus Q. Now let us find out what will be E1 and E2. So E1 will be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught मैं इसमें नाम लिखता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, 4 pi epsilon naught क्यू डिवाइड बाय ए पी स्क्वायर. नाउ व्हाई ए पी? बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, दिस डिस्टेंस विल बी ए पी स्क्वायर, एंड इफ आई राइट दैट, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस विल बी आर प्लस ए स्क्वायर. Likewise, if I write what is E2, E2 will be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by BP square. So you can see that here, from here the distance is BP. Now BP will be what? 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R minus A square. Now which is bigger over here? Which is bigger? The net field E will be the bigger field minus the smaller field. I'll go to the next page. So you can see the magnitude of E2 is greater than the magnitude of E1. Now what is E net? E net will be equal to E2 minus E1. So in both these expression, Q divided by 4 pi epsilon naught is common. Here will be 1 divided by R minus A square minus 1 divided by R plus A square. So if we solve this, this will become Q divided by 4 pi epsilon naught. Here this will be R plus A square minus R minus A square divided by R square minus A square whole square, and this becomes four Q divided by 4 pi epsilon naught. This will be 4 a plus b whole square minus a minus b whole square will be 4 ab. So this will be 4 ar divided by r square minus a square whole square. So we can write this as, we know that p, electric dipole moment. So electric dipole moment ka kya tha? Q into 2a, और Q in bracket 2a. तो इसको ऐसे
I can write this q into 2a divided by 4 pi epsilon naught. So q into 2a लिया तो क्या बचा 2r बचा 2r divided by r square minus a square का होल स्क्वायर. So this thing is known as p. So this thing is known as P divided by 4 pi epsilon naught. Okay, one condition comes over here. Suppose if 2a is much more less than r. So in 2a much more less than r, so we can neglect this a. That means r square is much more greater than a square. So this will be what? 2r divided by r to the power 4. Or this will be equal to p divided by 4 pi epsilon naught. Or we will write 2p and not write the vector sign. It will be 2p 4 pi epsilon naught r cube. So this is our answer. This is our final derivation. That means the net field E magnitude, or you can write only E, it will be equal to 2p divided by 4 pi epsilon naught r cube, or you can write E is proportional to 1 upon r cube. Okay. So E is along P direction. Direction is along P, dipole moment. Or you can write along BP. So one thing I don't remember if I told you or not. So remember that the direction of dipole moment P is always from negative to positive. It is by convention.